दिवाली को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 31 नवंबर और 1 अक्टूबर दोनों दिन। अयोध्या के रामकथा पार्क पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, रामायण को दर्शाने वाली कई कलाकृतियों की प्रदर्शनी देखी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। राम सीता और लक्ष्मण के किरदारों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, फूल माला पहनाकर सबका स्वागत किया। रामायण के किरदारों का अयोध्या में भव्य स्वागत, हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। मंत्रोच्चार के बीच योगी आदित्यनाथ ने राम लक्ष्मण और सीता के किरदारों की आरती उतारी, तिलक लगाकर सबका अभिनंदन किया। दीपोत्सव से पहले अयोध्या में सीएम योगी का संबोधन, बोले 8 साल पहले एक ही नारा गूंजता था, योगी जी एक काम करो, राम मंदिर का निर्माण करो। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, हमने जो कहा वो करके दिखाया, 500 वर्षों का अंधकार खत्म करके रामलला आए, सनातन धर्म के लिए अयोध्या तो बस एक शुरुआत है। अयोध्या में विपक्ष पर बरसे योगी, बोले कुछ लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, ये वही लोग जिन्होंने राम भक्तों के लहू से सरयू को लाल किया था। सीएम योगी बोले, अयोध्या में 2017 से पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज पूरी दुनिया अयोध्या की चमक देखने आ रही है, डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वो करती है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव को लेकर गुस्से में सपा सांसद अवधेश प्रसाद, बोले मुझे दीपोत्सव का न्योता नहीं, फिर भी मैं अयोध्या जाऊंगा, त्यौहार का राजनीति कर लोगों को बांट रही है बीजेपी। अयोध्या में पारंपरिक नृत्य करते दिखे लोक कलाकार, सरयू नदी के घाट पर भव्य आयोजन, रंगी बिरंगी रोशनी से जगमग है अयोध्या, शहर की प्रमुख जगहों को लाइट से सजाया गया, लेजर शो का भी भव्य आयोजन। अयोध्या की दिवाली पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, लिखा यह दीपोत्सव ऐतिहासिक, श्री रामलला 500 साल के इंतजार के बाद अपने धाम में विराजमान है। दिवाली पर फूलों से सजा केदारनाथ धाम, 3 नवंबर को 8:30 बजे बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। वृंदावन के केशी घाट पर विधवा माताओं ने जलाए दीप, यमुना किनारे किया दीपदान और नाच गाकर दीपोत्सव की मनाई खुशी। छठ और दिवाली पर रेलवे की खास व्यवस्था, आज चलाई जा रही है 164 विशेष ट्रेन, रेलवे बोर्ड के सूचना प्रसार विभाग के कार्यकारी निदेशक ने दी जानकारी। देश भर के अलग अलग शहरों से बिहार और उत्तर प्रदेश के शहरों तक की ट्रेनें, 7,000 अतिरिक्त फेरों की व्यवस्था, 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को फायदा। गुजरात के वापी स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़, बांद्रा पटना एक्सप्रेस ट्रेन के आने से पहले प्लेटफॉर्म पर उमड़े यात्री। वलसाड जिले के वापी और दमन दादर नागर हवेली में बड़ी संख्या में रहते हैं बिहारी यूपी के लोग, दिवाली छठ में घर आने के लिए उमड़ी है भीड़।